हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ स्टार प्रभास और कृति सैनन की फिल्म आदिपुरुष की चर्चा पिछले कुछ समय से फैंस के बीच हो रही है। हालांकि कई लोगों को इस मूवी का स्पेशल इफेक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिसके चलते फिल्म के मेकर्स को इस मूवी की रिलीज डेट तक टालनी पड़ी। जी हाँ, अभी हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। लोगों ने फिल्म के टीजर में बहुत सारी खामियां निकाली। हालांकि सबसे बड़ी बात की इस फिल्म में रामायण के कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात दोस्तों, आप लोगों को पता क्या है कि रामायण को लेकर सिर्फ आदिपुरुष ही नहीं बल्कि एक और बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस लाइव एक्शन ट्रायलॉजी को दंगल फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी और रवि उद्धावकर डायरेक्ट करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर होंगे मधु मंटेना, जिन्होंने हाल ही में फिल्म से जुड़े अपडेट भी शेयर किए। मधु ने इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट 2017 में की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में ग्राउंड वर्क और रिसर्च वर्क के बाद कुछ अगले महीनों में इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। इस कहानी के लिए वाकई काफी रिसर्च की जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की शूटिंग हम सितंबर 2023 में शुरू कर दें। गौरतलब है कि इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े एक्टर्स नजर आएंगे। हालांकि इस मूवी की कास्टिंग को लेकर मधु ने कहा कि इस फिल्म की कास्टिंग भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कास्टिंग हो सकती है। मधु ने कहा कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण जैसे किरदार लार्जर देन लाइफ है। ऐसे में उन्हीं कलाकारों को चुनेंगे जो इनके साथ पूरी तरह से न्याय कर पाए। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मूवी को लेकर वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि इस मूवी में वाकई स्टार कास्ट देखने लायक है। इससे पहले बातचीत में उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट 300 करोड़ में पूरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि इतने पैसों में हम कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने इस मूवी के लिए कड़ी मेहनत की है और इसीलिए ये 300 करोड़ का बजट बहुत छोटा होगा, इतने तो सिर्फ एक्टर्स के पास चले जाएंगे। वेल, देखा जाए दोस्तों तो रामायण सच में एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसे बनाना इतना आसान नहीं है। लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग परसेप्शन से रामायण दिखाने की कोशिश की है, अलग अलग फॉर्मेट में दिखाया है। लेकिन जिस तरह से बी आर चोपड़ा ने रामायण को दिखाया उस तरह से अभी तक फिल्म के रूप में कोई भी फिल्म सामने नहीं आई। अब देखना होगा कि क्या सच में ऐसी फिल्म नितेश तिवारी बनाते हैं और लोगों को पसंद आती है वो फिल्म। आपको क्या कहना है आदिपुरुष के बारे में और रामायण के बारे में जो नितेश तिवारी बनाने वाले हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।